हम आईफोन 11 का जो अपर लेयर है वो सेपरेट करेंगे विदाउट प्री हीटर। जो भी भाई लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं अपने शॉप में, अपने घर पे, खुद की लैब में, तो जनरली क्या होता है ना, एंड्रॉयड वाले आईफोन पे जाना चाहते हैं। वो आईफोन के बोर्ड परचेज़ कर लेते हैं या उनके पास पुराने जो बोर्ड रहते हैं उन पे प्रैक्टिस करते हैं, पर उनके पास में प्री हीटर नहीं होते। फिर ये सोचते हैं कि बिना प्री हीटर के हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आइए आज आपको मैं वो टेक्निक बताता हूँ कि बिना प्री हीटर के आप सेफ तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने एक चालू आपको डिस्प्ले और आपको एक चालू हैंडसेट दिखा रहे हैं। हम इसका अपर बोर्ड निकालेंगे और लोअर बोर्ड से, आरएफ बोर्ड से इसको अलग करेंगे विदाउट प्री हीटर। पूरी टेक्निक देखिए, आइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सीपीयू निकाल के, इसी का मैंने सीपीयू निकाल के सीपीयू रिवॉल्व कैसे बताया, सीपीयू निकालने के कितने ट्रिक बताए हैं, सीपीयू क्लीनिंग के कितने सारे ट्रिक बताए हैं, तो ये सब कुछ बेसिकली मैंने वहाँ पर देने की कोशिश की है। और वो पूरा एक बहुत बड़ा डाटा है, खैर उसमें DSO इंक्लूडेड है, सब कुछ स्कीमेटिक लेवल का कोर्स है। अब हल्का सा बोर्ड को आपने ना टच करना है, ये देखना है कि आपका बोर्ड है ना थोड़ा सा सेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब आपने क्या पेस्ट डाला है, अगर पेस्ट नहीं डालोगे ना तो ऐसा सेक नहीं होगा। क्या है, आप ज़बरदस्ती उसको लिफ्ट करोगे, और आपने ज़बरदस्ती लिफ्ट की है तो आपके पैड जाएंगे। अभी दो भी पैड चले गए तो भाई बेसमेंट अननोन हो गया है, कुछ भी हो सकता है, वाईफाई नहीं वर्क कर रहा है, चार्जिंग नहीं लेगा। ये देखो ये थोड़ा लूज जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हीटिंग हमारी बहुत प्रॉपर है, ठीक है। ये देखो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले देख लो, एक भी पैड कहीं से नहीं निकला है, बहुत चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये रीज़न है पेस्ट का, ठीक है। पेस्ट की वजह से ही आपको ये रीज़न देखने को मिला है। अगर मैं नोजल रख के करता ना, तो नोजल क्या करता है, पर्टिकुलर डेडिकेट जगह पे हीट डालता है, ठीक है। अब हमारा काम बस इसको एक बार चालू करना है, इधर आओ, इस साइड आओ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करना ज़रूरी है, तो ठंडा करने के लिए हमारे पास ये है, ये हमारा RF बोर्ड हो गया। मैंने अब जो 6000 का कोर्स में ले रहा हूँ ना, 6000-7000 का, उसके अंदर RF बोर्ड का पूरा स्कीमेटिक बताया है, कैसे LDO चालू करते हैं, कैसे आपको BB APROM, जैसे BB आपको PMU देखनी है, आपको BB APROM कैसे चेक करनी है DSO से, सब बताया है, ठीक है। अब सबसे पहले हो सकता है कि आपको कैमरे से जजमेंट नहीं हो रहा हो, इसलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर दिखाओ, देखो नोटिस करो, ठीक है। एक भी पैड आपको नहीं मिलेगा, कोई IC आपको या कोई कॉम्पोनेंट आपको रिमूव नहीं मिलेगा, सारी अपनी जगह मिलेंगे। CPU आप पावर IC के पास देखो, तो यहाँ पर आपको कोई भी बॉल्स नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो जनरली ज़्यादा ओवर हीटिंग से बॉल्स आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब पावर आपकी ट्रांसफोल्ड हो जाती है। चार्जिंग IC के कॉम्पोनेंट देखो, कहीं से भी टूटे नहीं है, कोई भी कॉम्पोनेंट कहीं से शोल्डर नहीं फंसा, तो ये आपको। अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डिस्प्ले लगा लेते हैं, ये देखो आ गया डिस्प्ले, ये देखो आ गया फोन वापस, ठीक है, अपनी जगह पर दिखाई दे रहा है पूरा कैमरे में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो आई होप कि आपको ये काम अच्छा लगा हो, और आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई हो, और आप ऐसे ही काम करते रहें। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा पास आओ, अभी मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये मेरा एक स्टूडेंट है, एक मिनट सर, एक स्टूडेंट को मैं आपको दिखाना, ये देखो ये मेरा स्टूडेंट है शमशेर, ये देखो +351 आप देख रहे होंगे ना, तो आप इसको देख लो खुद कहाँ से है। तो ये मेरा स्टूडेंट है पुर्तगाल से शमशेर, और एसआई टेलीकॉम, ये मेरा
28 मार्च या 28 फरवरी या 28 मार्च का स्टूडेंट है इसी साल का। और ये देखो ये एंड्रॉयड के लिए आया था मेरे पास, और इसने मेरे से बोला था कि सर मुझे अभी सीपीयू आईफोन पे काम करना है, और मैंने उसको आईफोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई, हमारी कन्वर्सेशन हुई और उसने काम किया, और उसने 2-3 फ़ोन के बाद अपना पहला सक्सेस किया। ये देखो सर मैंने आज प्रैक्टिस के लिए आईफोन 13 प्रो मैक्स का सीपीयू डन किया आपके आशीर्वाद से, और जो आपने स्टेप बताए थे वो सारे फॉलो किए, तो ये करके अभी मैंने उसको बोला है ठीक है 1-2 सक्सेस करो फिर स्वैपिंग करेंगे साथ में। बोला ओके डन। यहाँ पर देखो मैंने आज प्रैक्टिस के लिए सर इसका सीपीयू निकाला था, इसे मैंने सीपीयू निकाल के लगाया, तो पहले तो मेरे पास इसका प्रिंट नहीं था, तो मैंने एसएमडी से इसका जो लेयर जो उसको अलग किया, बिना एक भी पैड निकाले, तो बाद में मैंने इसका सीपीयू निकाल के लगाया है। तो सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सर देखिए सर मेरा फोन जो है ऑन हो चुका है। तो ऐसे ही स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं और सही है टेक्निक के साथ में अपने, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने कभी आईफोन पे काम नहीं किया, ये तो एंड्रॉइड पढ़ने आए थे फिर भी आज आईफोन पे काम कर रहे हैं। तो एज ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हो सकता है आपको इससे बहुत नॉलेज मिली हो। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके मेरे हाथ में जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया, और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। ठीक महाराष्ट्र से हो। ओके हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। ओके देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए बहुत शुक्रिया। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास,
यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से। फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से